अवध क्षेत्र को अंग्रेजों से 18 महीने तक मुक्त रखने वाले अमर सेनानी राणा बेनी माधव बख्श की 218वीं जयंती 24 अगस्त को मनाई जाएगी। राणा बेनी माधव बख्श सिंह स्मारक समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी होंगे। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए समिति के अध्यक्ष व पूर्व विधायक इंद्रेश विक्रम सिंह ने बताया कि 23 अगस्त को समिति की ओर से सुबह रक्तदान शिविर का आयोजन IMA द्वारा संचालित ब्लड बैंक से किया जाएगा। वहीं जिला अस्पताल महिला एवं पुरुष में फल वितरण संस्था द्वारा कराया जाएगा। वहीं शाम को 218 दीयों द्वारा दीपदान किया जाएगा। 24 अगस्त को प्रातः 10 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमर सेनानी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करेंगे। तत्पश्चात फिरोज गांधी महाविद्यालय स्थित ऑडिटोरियम में कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान कारगिल युद्ध में शहीद परमवीर चक्र के अलंकृत योद्धा सूबेदार संजय कुमार को राणा बेनी माधव बख्श सिंह स्मृति शौर्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। वहीं साहित्य के क्षेत्र में नव गीतकार अनूप अधेश को शिव बहादुर सिंह भदौरिया स्मृति साहित्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। समाज में सेवा कार्य के क्षेत्र में पशुओं की सेवा इलाज के लिए अर्पित यादव को वीरा पासी स्मृति सेवा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। वहीं पत्रकारिता के क्षेत्र में मीडिया में मैनेजिंग एडिटर शमशेर सिंह को स्वर्गीय दिलीप सिंह स्मृति सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष ने बताया कि शाम को कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के जाने माने कवि डॉक्टर हरिओम पवार, विनीत चौहान, वसीम बरेलवी, सत्यम श्रीवास्तव, मंजर भोपाली व डॉक्टर तारिफ अपनी रचना से रसपान करेंगे। इसके अलावा संस्था की वेबसाइट, वेब पेज एवं इंस्टाग्राम पेज पर मुख्यमंत्री शुभारंभ करेंगे। हम आपको बता दें कि 24 अगस्त को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में भाग लेने रायबरेली आ रहे हैं। SMN न्यूज के लिए मैं गौरव द्विवेदी, रिपोर्टर आकाश बारी के साथ। हम लोग राणा बेनी माधव सिंह जी की 218वीं जयंती मना रहे हैं। इस क्रम में 23 और 24 तारीख को हम कुछ कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। सर्वप्रथम 23 तारीख को हम सुबह 9 बजे एक रक्तदान शिविर आयोजित करेंगे, जो IMA की बिल्डिंग पर किया जाएगा। और उसके बाद 10:30 बजे हम फल का जिला अस्पताल और महिला अस्पताल में वितरण करेंगे। शाम को 6:30 बजे राणा की मूर्त स्थल पर हम दीपदान करेंगे। 24 तारीख को प्रातः राणा की मूर्त स्थल पर हम पुष्पांजलि 7:30 बजे करेंगे। और उसके बाद हमारा मुख्य कार्यक्रम, जिसे हम भाव समर्पण समारोह कहते हैं, वह फिरोज गांधी के सभागार में 11 बजे किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी शिरकत करेंगे और हमें संबोधित करेंगे। शाम के समय एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के प्रसिद्ध कवि हरिओम पवार, प्रोफेसर बरेलवी, वसीम बरेलवी, विनीत चौहान और स्वयं श्रीवास्तव, मंजर भोपाली और डॉक्टर तारीफ भाग लेंगे, अपनी रचनाएं सुनाएंगे।